हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको मैं टाइटल देके पता ही चल गया होगा कि आज मेरा वही फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। एंड आज हम सब, मेरी पूरी फैमिली नीमसार जा रहे हैं, तो पूरा फर्स्ट व्लॉग वहीं का होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा आने वाली है आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग घर से निकल गए हैं एंड अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हम लोग को निकलते गए काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग वैसे जल्दी निकलना चाहते थे बट बहुत ही लेट हो गया। एंड ये जो मैं, मुझे बहुत मज़ा आ रही है क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग कोई ऐसी फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। ये मेरा भाई, आप देख सकते हैं, हीरो बने। और हम लोग नाश्ता नहीं कर पाए थे, तो हम लोगों ने कार में चाय वगैरह एंड कचौड़ी बनाई थी मम्मी ने। तो सुबह हम लोगों ने चाय कचौड़ी कार में ही खाई थी। और ये मेरा एक भाई और ये दूसरा भाई, ये मेरी मौसी का बेटा है। वैसे तो मैं पहले विंडो सीट पर बैठी थी, बस फिर मैं बीच में आ गई थी, तो मुझे ऐसे ही फीलिंग आई थी कि वाओ, मेरे दो दो बॉडीगार्ड, एक इस तरफ एक उस तरफ। तो बहुत ही मज़ा आ रही थी रास्ते में भी। ये हम लोग जा रहे हैं, ये आगे वाली कार मेरी छोटी वाली मौसी की है। एंड अभी हम लोग जा रहे रास्ते में ही हैं। सो गाइज, अभी हम लोग रुके हुए अपने मौसा जी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी आ जाए, फिर हम सब साथ में ही निकलेंगे। ये हमारी कार है और ये मौसी की कार है पीछे, तो बस हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, निकलेंगे अभी फिर से। तो अभी हम लोग निकल गए थे क्योंकि मौसी ने कहा था कि वो हमें आगे मिलेंगी, तो हम लोग रास्ते में निकल चुके थे। हमने कहा कि कहीं और आगे चल के वेट करेंगे उनका हम लोग। ऐसा टोल जाता ना? हाँ। तो अब ये टोल टैक्स आ गए, हम ऑलमोस्ट लखनऊ क्रॉस कर चुके हैं, मतलब करने ही वाले हैं। टोल टैक्स आ गया था, ये आते हैं दो मिनट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओले गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक जगह पे रुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पापा छोटी सी गुड़िया को खिला रहे हैं। ये मेरी दीदी की बेटी है, मेरी कज़न सिस्टर है उनकी बेटी, काफ़ी क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। इसका नाम दिव्यांका है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट है। बच्चे यहाँ पे सब घूम फिर रहे थे इधर, सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मेरा भाई एक, ये तो आप जानती हैं इसको, ये मेरा मौसी का बेटा, वो मेरी मौसी की बेटी, मतलब सब भाई लोग और मम्मी उधर बैठ के बैठी हुई हैं अभी, और मामी लोग वगैरह कार में थे, सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। सब दिव्यांका, हेलो। तो इधर मम्मी दिव्यांका को खिलाने में मस्त, और आप इधर देखिए मेरी मौसी और मामी को, इन लोग को भी बहुत मज़ा आ रही है आज। सब लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर, आप देख सकते हैं पेड़ पकड़ पकड़ के फ़ोटो खिंचाई जा रही है यहाँ पे, काफ़ी इंजॉय कर रही है। हम लोग को भी बहुत ही मज़ा आई आज। तो हम लोग अभी वेट कर रहे अपनी बड़ी वाली मौसी का, और आप देख सकते हैं पीछे सब आराम से बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत ही अच्छा है। वो उधर अलग मस्ती चल रही है, इधर बच्चा पार्टी की अलग मस्ती चल रही है। दिखाते हैं मैं आपको इन लोग की मस्ती, ये देखिए, ये आराम से सीट वेट गिरा के आराम से बैठे हैं ये लोग। सबके अपने अपने मज़े हैं, सब अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं। वो देखिए यहाँ फोटो सेशन हो रहा है, वो वहाँ छोटी बच्ची को खिला रही हैं। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं, मेरी बड़ी वाली मौसी भी आ चुकी है। ये जो उसके आगे गई, ये मेरी बड़ी वाली मौसी की कार है, वो गई। हमारे पीछे मेरी छोटी वाली मौसी की कार थी, हम लोग बीच में चल रहे थे। अब सब लोग आ चुके हैं, मौसी भी आ चुकी है, हमारी पूरी फैमिली गई। अब हम लोग रास्ते में जा रहे हैं। मुझे याद है मैं एक बार बचपन में गई थी नीमसार, पता नहीं मैं कितनी बार जा चुकी हूँ, बट मुझे जब का याद है, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है मेरे एक भाई का मुंडन था, कज़न भाई का, तो उसके मुंडन में हम लोग नीमसार गए थे। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ, ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तो हो ही गए हैं, मतलब शायद से उससे कम ही हुआ, बट बहुत टाइम हो गया है। हम लोग काफ़ी टाइम बाद नीमसार जा रहे थे, और यहाँ पर ये देखिए जो तालाब पड़ा, इसमें मेरा भाई कह रहा है दीदी मुझे उसमें नहाने का मन कर रहा है। फिर मैंने भी यही बोला, मैंने कहा वहीं चल के नहाना, यहाँ नहाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही मज़ा आ रही थी क्योंकि हमें बहुत एक्साइटमेंट थी, काफ़ी टाइम बाद हम लोग जा रहे थे, और ऐसी जगह पे तो आप जानती हैं फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। तो अभी भी हम लोग रास्ते में हैं, काफ़ी दूर है क्योंकि
सो अभी हम लोग नीमसार पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड ये बाहर वाला मंदिर अब मैंने देखा इसमें कितनी अच्छी सी, मतलब बहुत ही अच्छा आर्ट वगैरह, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में ये दूर से, आप देख सकते हैं, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा फोटो में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सामने से, इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड गाइज ये हुआ अब हमारा इंतज़ार ख़त्म, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं नीमसार, ये पार्किंग एरिया है, पापा मौसा जी लोग सब लोग अपनी कार खड़ी वड़ी करने गए हुए हैं, एंड हम लोग उनका बाहर वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब चलिए मैं आपको सबको से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरे बड़े वाले मौसा जी, छोटे वाले मौसा जी, वो मामी खड़ी हैं, उधर भाई लोग खड़े हुए हैं, एंड छोटी वाली मौसी, बड़ी वाली मौसी, वहाँ से पापा आ रहे हैं। तो हम लोग साइज पहुँच गए हैं और हम लोग जा रहे, कपड़े निकाल रहे अपने, अब नहीं बाद में। तो अब हम जाएंगे नहाने स्नान करने, तब उसके बाद सब पता चलेगा, वीडियो में बने रहिएगा तो आपको एंड तक पता चलता रहेगा क्या हो रहा है। चलते चलते मुझे एक बंदर भी मिला, मुझे लगा था यहाँ पे बंदर नहीं होंगे, बट गाइस यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, मैं जैसा आई थी मुझे यहाँ पे बहुत सारे बंदर दिखे, और मैं आपको बता दूँ मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरा फ़ोन वोन छीन के भाग जाए और सामान ना छीन के भाग जाए, बस इसी वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगता है बंदरों से। सो गाइज हम लोग नीमसार पहुंच गए हैं और ये वहाँ का मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर है, और यहाँ पे साइड में आपको तखट डाले मिल जाएंगे पंडित लोग, आप यहाँ पे बैठ के अपना सामान वगैरह रख के स्नान करने जा सकते हैं बेफिक्र होके। तो चलिए मैं थोड़ा पास से आपको दिखाती हूँ ये कुंड। गाइज मैं आपको बता दूँ कि नीमसार को नैमी सारण भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सारी देवी देवताओं का वास होता है, और यहाँ पे कहते हैं कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आके गिरा था जो कि पाताल लोक तक गया था, और यहाँ पे जल भी पाताल लोक से ही ऊपर तक आता है, आप यहाँ पे किसी भी मौसम में आ जाए आपको यहाँ पे कभी भी सूखा नहीं मिलेगा और ना ही कभी वाटर का ओवरफ्लो मिलेगा। तो आप देख रहे हैं सब तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा सब लोग तैयार थे बिल्कुल यहाँ पे आने के लिए, और ये जो आप बीच में देख रहे हैं कहते हैं यहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि पाताल लोक तक जाता है, तो अंदर नहीं जाना चाहिए, बहुत ख़तरनाक होता है, तो हम इसके चारों तरफ ही परिक्रमा लगाएंगे। तो अभी मैं अभी जा रही हूँ रेडी होने, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इसके अंदर जाने में, और यहाँ पे चारों तरफ आसपास आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर मिल जाएंगे, और ये मेरा भाई, मैं रुक के दिखाती हूँ आपको मेरे भाई को भी, ये मेरे तीनों चारों भाई काफ़ी एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए, और अभी मेरे भाई की छलांग, ये देखिए ये इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और ये कूद गया एकदम से, बाकी सब लोग भी जा रहे हैं, सारे भाई लोग पहले चले गए, जेंट्स जा रहे थे धीमे धीमे, हम लोग फिर रुक के अभी जाने वाले थे, हम लोग भी मम्मी लोग भी तैयार मतलब हो रही थी, सब सामान वगैरह रख रहे हैं यहाँ पर। और जैसे कि मैं दिव्यांका, इसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया, मौसी के पास बैठ के आराम से खिलखिला के हंस रही थी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सब लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, मेरे मम्मी पापा भी रेडी हो गए हैं, हम लोग बस जा ही रहे हैं मम्मी लोग के साथ, तो मैं आपसे स्नान करने के बाद मिलती हूँ, अब और बाकी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ और बाकी सब भी नहा ही चुके हैं, और वो से देखे मेरी दीदी नहा चुकी है, एंड छोटी सी बेबी उसे नहीं नहाया था, यहाँ ये मेरे पापा भी रेडी हो गए, और भाई को आप देख ही सकते हैं बेशरम हो गया है बिल्कुल, उधर मामी बैठी हुई हैं और इधर ये सब भी, सब ऑलमोस्ट तैयार ही हो गए हैं नहा धो के। सो गाइज जैसे कि मैं नहा धो चुकी हूँ, हमारे घर में सभी लोग ऑलमोस्ट सब लोग रेडी हो गए, आप देख सकते हैं पीछे पापा खड़े हुए हैं और उधर मम्मी मौसी लोग सब लोग बैठे हुए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर का दर्शन करने, तो चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ। सो गाइज अभी मैं दर्शन करने जा रही हूँ पापा के साथ अपने, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी इसीलिए मैं अपने पापा के साथ आई थी, तो पापा आगे चल रहे थे मैं पीछे पीछे, मुझे क्योंकि वीडियो भी बनानी थी साथ ही साथ, और पापा के साथ चल भी रही थी, मंदिर बंद होने का भी टाइम हो गया था इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था, और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तब भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो में जितना रिकॉर्ड कर पाई मैं कर रही थी। ये बांके बिहारी का मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दर्शन किया, उसको दोनों ने मुझे मना कर दिया था, उसके बाद गए हम लोग शंकर भगवान के मंदिर में गए इसके बाद हम, और यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था बट मैं चुपके चुपके थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, यहाँ पे ये
नंदी महाराज बैठे हुए हैं, अंदर शिव जी बैठे हुए हैं, अंदर शिवलिंग बनी हुई है। तो अंदर चलते हैं, आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ साथ ही साथ। जैसे कि आपने सुना ही होगा, मुझे पंडित जी ने मना कर दिया था कि वीडियो नहीं बनाना है। तो यहाँ मंदिर के बाहर आके आपको प्रसाद लेने की भी मिल जाएगा। ये हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करनी चाहिए, पूरी कुंड की परिक्रमा लगानी चाहिए, तो यहीं से स्टार्ट होती है परिक्रमा भी। मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाती हूँ इसका पूरा। यहाँ पे सारी देवी देवताओं के मंदिर है और ये भी एक भगवान जी का मंदिर है। मैं आपको चल के और भी मंदिर दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे गणेश जी का भी मंदिर है, दिखाती हूँ मैं आपको। इतनी सुंदर सी मूर्ति बनी हुई है गणेश भगवान जी की भी, बहुत अच्छा लगा ये भी देख के। इसके बगल में एक छोटे से शिवलिंग भी बने, दिखाती हूँ मैं आपको। शिवलिंग और नंदी महाराज भी हैं यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे भी आके। काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ का मेन मंदिर, माता जी का मंदिर, मंदिर में दर्शन करने। मेरे भाई को आप देख ही सकते हैं, बढ़िया माला वाला लेके साधु बनने की कोशिश में है बस। और जैसे कि हम आगे की बढ़ रहे थे, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी दुकानें भी मिली, जहाँ पे बहुत कुछ अच्छे अच्छे आइटम्स हुए हैं। मैं रुक के देख नहीं पाई क्योंकि सब लोग चल रहे थे, सबके साथ ही मुझे भी चलना था। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से मैंने बैग्स वगैरह भी देखे। आप एक बार विज़िट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेने को मिल जाएंगी। तो गाइज़, हम ये आ गए हैं ललिता माता के मंदिर, और जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे आपको प्रसाद के लिए लाइन लगी दिख जाएगी। आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। ये हम अंदर पहुँच गए हैं, चलिए आपको मैं दर्शन कराती हूँ ललिता माता के। तो अभी हम लोग माता जी के दर्शन कर आए हैं। कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं था, जिस वजह से मैं क्लिप ज़्यादा नहीं ले पाई। और यहाँ पे आप हवन भी कर सकते हैं बाहर आके ही। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बाबा बैठे हुए थे और ये छाता हवा में उड़ रहा है, आप देख सकते हैं जैसे, और कुछ नहीं लगा इसके सपोर्ट में। और मुझे इस चीज़ समझ नहीं आई कि कैसे हवा में, शायद से चमत्कार या जो भी आप कह सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आया उस टाइम पर। तो वही चीज़ है, फिर मैंने ये पेड़ देखा, आप इसकी डिज़ाइन या आप जो भी कह सकते हैं, बिल्कुल मुझे बहुत डिफरेंट सा ये पेड़ दिखा, तो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। ये बिल्कुल यूनिक सा पेड़ है यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम वहीं पे आ गए जहाँ पे हमने अपनी कार खड़ी करी थी। देखिए, पापा लोग कार लेने गए हैं, मौसी जी सब लोग। फिर हम लोग कहीं रुक के पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है और बहुत तेज़ भूख लगी है। सब लोग कुछ ना कुछ बना के भी लाए थे, तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं। कोई एक जगह ढूंढ के वहाँ बैठ के कुछ खाएंगे पियेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत। गाइज, हम उसके बाद यहाँ पे मंदिर में आए, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ भी हम दर्शन करने के लिए आ गए, तो हम लोग जा रहे हैं। आप देख रहे, पापा मेरे आगे है एंड मैं भी जा रही हूँ पापा के साथ ही में। आपको अंदर चल के दिखाती हूँ पूरा मंदिर भी। तो ये कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी है, काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। भगवान जी यहाँ सारे ही भगवान जी हैं। और यह मंदिर की आप ये परिक्रमा, ये मेन मंदिर है, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, फिर उसके अगल बगल भी सारे ही भगवान जी लग बने हुए हैं। और ये आपको यहाँ पे परिक्रमा करनी होगी, आप जितना मर्ज़ी अपनी श्रद्धा से परिक्रमा कर सकते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, अंदर में आपको हनुमान जी की दिखाएं, कोशिश तो कर रही हूँ बट नहीं दिखा सकते अंदर जाके, कैमरा अलाउड नहीं है अंदर। गाइस, यहाँ पे हम लोग बैठने जा रहे हैं, अभी बैठ के यहाँ पे थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे, रेस्ट करेंगे। सबके शक्ल कुछ ज़्यादा ही थकी थकी सी हैं।
सो गाइज अभी खाने में बहुत कुछ है क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ बना के लाए हैं, जैसे कि इडली मेरी मामी ने बनाई है, बिरयानी मेरी बड़ी वाली मौसी बना के लाई थी, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी छोटी वाली मौसी बना के लाई थी, और कचौड़ी और कद्दू की सब्ज़ी हमारी मेरी मम्मी बना के ले गई थी। बहुत ही टेस्टी था पूरा खाना। तो अभी हम लोग की पेट पूजा हो गई है और यहाँ पे मम्मी लोग सब कुछ सामान वगैरह बटोर रही हैं, सब कुछ रख रही हैं, और उधर मेरे पापा आपको दिखाती हूँ रेस्ट कर रहे हैं, उनको आराम से बिस्तर मिल गया है तो वो रेस्ट कर रहे हैं आराम से, ये सब लोग भी खड़े होकर बात बात कर रहे हैं, तो बहुत ही इन्जॉय किया सब ने। तो हम लोगों ने तो खाना खा लिया, अब ये छोटी गुड़िया की खाने की बारी आई, तो ये भी दूध पी रही थी अपना। तो गाइस अब हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से, हम लोगों ने बहुत देर रेस्ट भी कर लिया और अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। तो अगर रास्ते में कहीं जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जाते हैं रास्ते में, बट अभी का तो प्लान घर ही जाने का है, तो हम लोग निकल रहे हैं बस ऑलमोस्ट। गाइस मुझे लगा कि हम लोग घर जा रहे हैं बट ऐसा नहीं था, हम लोग अभी आए हैं सक्सन भवन। जैसे सक्सन भवन आए हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, बोल रहे हैं सब लोग की रेस्ट करेंगे बैठ के थोड़ी देर। तो अब मुझे मिला है छोटू सा डॉगी, आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा है ये। अभी जाते हैं, इसके दोस्त बन जाते हैं, खूब सारे इसके प्रिय प्रिय दोस्त हैं, ये जहाँ भी जाता है अपने साथ एक दोस्त बना ही लेता है। और यहाँ पे मेरा एक भाई बेचारा कुली बन चुका है, सब सामान इसने पकड़ा हुआ है, बहुत ही परेशान हो गया, इसने बहुत ही सारा सामान पकड़ रखा है। तो चलिए अब हम लोग अंदर सक्षम भवन के अंदर चलते हैं। बाकी लोग बैठे हैं जो कि दीदी की बेटी के साथ खेल खेल रहे हैं। और यहाँ पे सारी मौसी और मामा बैठ के गुड़िया को खिला रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रही थी, इसको भी बहुत ही मज़ा आई, काफ़ी इन्जॉय किया इसने भी आज। गाइस तो हम लोग जा रहे हैं अपनी अपनी कार में बैठने, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, शायद से घर ही जाएंगे, तो जो भी होगा जैसे मैं आपको अपडेट दूँगी इसके बाद। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइस मैं अभी सो के उठी हूँ और मैं रास्ते में सो गई थी, और आप देख सकते हैं जैसे कि रात हो गई है, ये करीब 8 बज गया है और हम लोग बस अपने घर ही जा रहे हैं। तो अपना आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं अगली वीडियो में।